बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर मैम कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया. आई वॉज लिटिल इंग्रॉस्ड इन वॉट वॉज बींग स्पोकन एंड ऑल आई कैन से इज कि जिस प्रधान सेवक की सेवाओं का लाभ हर वर्ग और हर क्षेत्र को मिल रहा है, क्या मुस्लिम महिलाओं को उससे वंचित रखा जाना चाहिए? आज विषय है कि 5 साल के अंदर 50 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई है. आप खुद जब वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थी, मुझे याद है कि जेंडर बजटिंग की बात हुआ करती थी. उसके बाद 10 साल तक जेंडर बजटिंग की बात इस देश से गायब हो गई और आज विमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात यह सरकार कर रही है. चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे मुद्रा योजना है, चाहे आशा है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, चाहे इंद्रधनुष है, ऐसी तमाम योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है. लेकिन ऐसे ही समाज में एक कुरीति है जिसका नाम है ट्रिपल तलाक, तलाक-ए-बिद्दत. और तलाक-ए-बिद्दत को लेकर मुझे अपने शब्दों में नहीं बल्कि कुरान के शब्दों में अगर मैं कुछ बात कहूं तो कुरान के कौन सी सुरा, कौन सी आयत के अंदर तलाक-ए-बिद्दत का जिक्र है, ये मैं सुष्मिता देव सहित बाकी लोगों से पूछना चाहती हूं. और अगर ऐसी किसी प्रथा का जो है जिक्र नहीं है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देता है कि तलाक-ए-बिद्दत गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि वो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है. और अधिकार कौन से? राइट टू इक्वालिटी. आपने सुप्रीम राइट डिवोर्स का आदमी के हाथ में दे दिया जिसके ऊपर अभी तक विपक्ष में से किसी एक व्यक्ति ने बात नहीं की. जो सारा का सारा जिम्मा है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि सिविल लॉज के अंदर क्रिमिनलिटी नहीं होती. और जिस 125 के राइट की बात की जा रही है, सस्टेनेंस के राइट की बात की जा रही है, वो क्रिमिनल एक्ट है. वो 125 ऑफ सीआरपीसी है, वो ऑलरेडी इस देश में क्रिमिनलाइज्ड है. और मैं सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से ये कहना चाहूंगी अपनी पार्टी की तरफ से कि एम्फेटिकली आई वॉन्ट टू एड दिस दैट व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू जेंडर जस्टिस, दिस इज नॉट ही वर्सेस शी. दीज आर इश्यूज विच आर ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इट बिलोंग्स टू द एंटायर सोशल सेटअप, एंटायर पोलिटिकल सेटअप. एम्फेटिकली आई वॉन्ट टू एड that no gender war can ever be won until and unless men are standing with women because they continue to be in power of in the state of dominance. And I'm very happy that my prime minister and my prime minister's led government has chosen to take this initiative of bringing at least 50 such schemes to empower women of this country. और जो लोग शबरीमला चिल्ला रहे थे, कुछ नहीं, शशि थरूर जी का बयान पढ़ लिया होता तो चिल्लाना बंद हो गया होता. क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि शबरीमला का जो मसला है वो बिल्कुल भिन्न है. हमारे देश में, हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड की बात नहीं की गई. और सिविल राइट्स के अंदर महिलाओं का शादी का अख्तियार, सस्टेनेंस का अधिकार, भत्ते का अधिकार, ये सब तमाम अधिकार उसी सिविल लॉ के तहत आते कि समाज की व्यवस्था कैसी हो. लेकिन उसमें ये नहीं आता कि मरने के बाद किसको दफनाया जाएगा, किसको जलाया जाएगा. ये अधिकार रिलीजियस राइट्स है. रिलीजियस रिचुअल्स आर डिफरेंट इन विच देर शुड बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द कोर्ट देन एज कंपेयर टू द सिविल लॉज एंड सिविल सोसाइटी लॉज. एंड सो फार एज क्रिमिनलाइजेशन और सिविल राइट्स इज कंसर्न, द क्रिमिनलाइजेशन हैपन्स इफ अ पर्सन चूजेज नॉट टू पे हिज मदर द सस्टेनेंस अमाउंट, इफ अ पर्सन चूजेज नॉट टू पे द मेंटेनेंस अमाउंट to the wife or to the children. Already in various formats, whether it's Domestic Violence Act, it's 125 of the CRPC, or under writ jurisdiction, these laws can be enforced. But what the government has done, सरकार ने जो पहले कदम उठाया था वो सही कदम था, लेकिन कुछ आपत्ति व्यक्त की गई और वो आपत्तियां जो है उनके निराकरण के लिए इस कानून में तब्दीली की गई. और यही कारण है कि 2017 में पहला बिल लाया गया. 2017 में जब वो बिल राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस आई. ऑर्डिनेंस के लॉ के मुताबिक अगर संसद सदन में है तो या तो आप उस पर कानून बनाइए और या फिर उसकी सुनवाई हो, उसी के तहत ये बिल दोबारा दूसरी तरीके से बदलकर आपके सामने आया है. एक शायर ने कहा है, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत,
हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, नाकाम मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। जब इरादा नेक है और इरादा है न्याय और जस्टिस दिलाने का, इरादा है समाज को बराबर खड़ा करने का, इरादा है कि इस देश से हर कुरीति का निदान हो, तो उस इरादे के साथ पुनः इसको नए बिल के रूप में आपके सामने लाया जा रहा है। और जिसको भी आपत्ति है वो इस बात को समझे कि तलाक को लेकर महिलाओं का क्या कहना है। एक औरत होने के नाते मैं पूरी तरीके से और भारतीयता में विश्वास रखते हुए ये बात कहती हूँ कि महिला चाहे हिंदू वर्ग की हो, चाहे मुसलमान वर्ग की हो, चाहे ईसाई हो, अधिकतर महिलाएं तलाक से दूर भागती हैं, क्योंकि एक बार शादी हुई तो वो जीवन भर निभाने की बात होती है। और जहां तक कानून की व्यवस्था है, किसी भी पुरुष को ये अधिकार दे देना कि क्षण भर के अंदर वो कहे तलाक तलाक तलाक, ओवर एंड डन विथ, क्या ये सही होगा? किसी भी समाज के लिए सही होगा? कोई सुलहनामा, कोई आपसी बातचीत, कोई जरिया की परिवार को बचाया जा सके, एक पुरुष ये अधिकार रखे कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे, मतलब एक लाइन है कि वस्त्रों की भांति स्त्री को बदलता चला जाए, क्या ये संभव है? एक नर नारी का नारा, एक नर नारी का मारा है, एक नर नारी का रक्षक है, एक नर नारी का भक्षक है। तो क्या हम ऐसे भक्षक समाज की संरचना करना चाहते हैं जहां पर केवल और केवल पुरुष को अधिकार हो कि कब वो औरत घर में रहेगी, कब घर से बाहर निकाल दी जाएगी? अभी 15 दिन शादी को नहीं हुए उसको तलाक दे के बाहर कर दो क्योंकि वो डाउरी नहीं लेकर आई, या उसकी शादी को 25 साल हो गए, 4 बच्चों की 5 बच्चों की मां है, उसको बच्चों समेत घर से बाहर कर दो और कहो ये रहा 25 साल पुराना मेहर की रकम और आप जाइए और आपकी विदाई तय है। और जो लोग बात कर रहे थे 1986 के शाबानो केस की, वो सरासर मिसकोट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने देश में विकास की पॉलिटिक्स नहीं की। अगर विकास की पॉलिटिक्स की होती, अगर इरादा नेक होता, तो इस देश के सामने एक नहीं तीन तीन बार, अब ये चौथी बार है कि ऐसे जो जजमेंट्स हैं वो पारित किए गए। और ऐसे जजमेंट पास करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था राइट्स ऑफ विमेन ऑन डिवोर्स, यही अंतर है सोच का, वो डिवोर्स की बात करते हैं, हम विवाह की बात करते हैं, हम राइट्स ऑन मैरिज की बात करते हैं, हम शादी चलाने की बात करते हैं। और वही शादी चलाने के लिए जो भी कानूनी हकूक है वो औरत को मिलने चाहिए, क्योंकि औरतें वो बदलने वाले वस्त्र के बराबर नहीं है कि आए दिन आप उसको बदल दें। और मैं कोट करना चाहती हूँ कुरान से, मैं कोट करना चाहती हूँ कि इसमें इस्लामिक लॉ के मुताबिक क्या कहा गया है। और मैं फैजी की डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द रिफॉर्म ऑफ मोहम्मद, इट हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय सेवरल अथॉरिटीज दैट प्रायर टू इस्लाम डिवोर्स अमंग द एंशियंट अरब्स वॉज ईजी एंड ऑफ फ्रीक्वेंट अकरेंस एंड दैट दिस टेंडेंसी हैज परसिस्टेड टू सम एक्सटेंट इन इस्लामिक लॉ, बट टू टेक अ फेयर एंड बैलेंस्ड व्यू इट मस्ट बी ऑब्जर्व that the Prophet showed his dislike to it in no uncertain terms. He is reported to have said that with Allah the most detestable of all the things permitted is divorce. Qadi Numan records an instance where Ali refused to divorce one of his four wives in order to marry another, and he told the people of Kufa not to give their daughters in marriage to Imam Hassan, his own son, for he was in the habit of marrying and divorcing a large number of women, a course of action which Ali disapproved. ये इस्लाम कहता है। और इस इस्लाम जो दो सुरा है, चाहे वो सुरा अल बकरा है या सुरा अल तलाक है, उन दोनों का ये मानना है कि किसी भी तरीके से डिवोर्स नहीं होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि दोनों तरफ के बीच में सुलहनामा हो सके, और सुलहनामा के से पहले इद्दत पीरियड का इंतजार किया जाए। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद खुद तलाक के खिलाफ थे, तो उन्होंने इसको अधिक से अधिक अरबिक सोसाइटी को देखते हुए मुश्किल बनाने की कोशिश की, और उस मुश्किल में उन्होंने कहा पहले आप इद्दत का इंतजार कीजिए, इद्दत के बाद सुलहनामे की बात कीजिए, अगर उस बीच में औरत अपनी इच्छा जाहिर करती है तो मेल मिलाप कीजिए, और उस बीच उसके बाद तो डिवोर्स ही खत्म। और उसके बावजूद अगर ये तय है कि डिवोर्स होना है तो दो गवाहों को पेश कीजिए। और इसलिए उन्होंने कोशिश की कि कुछ कुछ करके
किसी भी तरीके से इस प्रथा को समाप्त किया जाए। ये कुरान कहती है, और कुरान की सीधी आयत अगर मैं पढ़ के बताऊं, मदीना सूरा दैट आउटलाइंस सम ऑफ द रेगुलेशंस कंसर्निंग डिवोर्स, द सूरा स्ट्रांगली अर्जेस पीपल टू ऑब्जर्व गॉड्स रेगुलेशंस एंड गाइडेंस, स्पेशली द वेटिंग पीरियड, हाउसिंग एंड मेंटेनेंस, टू रीइंफोर्स दिस दे आर रिमाइंडेड ऑफ फेट ऑफ अर्लियर डिसोबीडियंट पीपल and rewards of the obedient, God's power and knowledge are emphasized at the end of the verse, and which says, it is God who created seven heavens and familiar on earth, his command descends between them, so you should realize that he has the power over all things and his knowledge encompasses all. So you have to understand, you believe in Quran, you believe in God, then you must do the righteous thing and pay the maintenance as per your status. Sustenance तो कम से कम की बात है, कुरान तो status के मुताबिक देने की बात करती है। और इसके बीच में एक जो औरतों को लेकर जो विचार बना है, और मैं खुलकर ये कहना चाहती हूँ कि कुछ समाज के लिए, और खास तौर पे वो लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, कि औरतों के लिए तुम्हारा चलन निराला क्यों है, औरतों के लिए तुम्हारा चलन निराला क्यों है जो कहते हो कि धर्म साफ है, तो ये नियम काला क्यों है। शिकायत मस्जिदों से नहीं पर फतवों से है मुझे, तुमने औरतों को अपने धर्म से निकाला क्यों है। और शरीयत की जो बात है, तो इस देश के अंदर जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये होता है, पारसी मैरिज एक्ट के तहत ये होता है, शरिया एक्ट के अंदर ये होता है, तो 1937 एप्लीकेशन ऑफ शरिया एक्ट जो इस देश में आया, उस जमाने में भी कई लोगों का कहना था कि कस्टमरी लॉ को आप बेस मत बनाइए। हिंदू मैरिज एक्ट में 1955-57 वाला जो कोट किया जा रहा है, तो मैं इस सदन के सामने बताना चाहती कि उससे पहले हिंदुओं के बीच में तलाक होता ही नहीं था, देयर वॉज नथिंग कॉल्ड डिवोर्स। और 1872 द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वॉज द ओल्डेस्ट एक्ट विच रेकग्नाइज्ड डिवोर्स लेटर। सो देर आर थ्री डिफरेंट एक्ट, हमने तीन पर्सनल लॉज को मान्यता दी है, इसलिए एक का कंपैरिजन दूसरे से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक की जो सामाजिक असलियत है वो कुछ और है। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम सब लोग बैठकर तय कर ले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तब आप एक लागू कीजिए। और जहां तक विषय है तलाक का, तो मैं ये भी बताना चाहती हूं कि हनफी व्यवस्था, हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत जिसके मानने वाले 70% लोग भारत में है, हनफी है, सफी है, मालिकी है और हम्बली है, इन चारों व्यवस्थाओं में से 70% भारत के लोग हनफी व्यवस्था को मानते हैं, जिसके तहत तलाक के बिद्दत को एक मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो सलाफी व्यवस्था है, जो कि प्यूरिटैनिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उसमें इस व्यवस्था की मान्यता ही नहीं है। और इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े जो इस्लामिक राज्य है, जहां पर इस्लाम ही उनका स्टेट रिलीजन है, वहां पर भी इस व्यवस्था की कोई रेगुलेशन नहीं है, वो इसकी मान्यता नहीं देते। लेकिन हैरानी है कि भारत जैसे सेक्युलर देश के अंदर इसकी मान्यता है, और जो पार्टीज अपने आप को सेक्युलर कहती है वही धर्म का दुष्प्रयोग करती है। और इसको जायज ठहराने का जो कुकृत है वो सामने आता है। तो किसी ने पीछे से हलाला शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि ये पैगंबर की जो दी हुई कथन है उनका ही निराकरण किया जा रहा है, और इससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि कुरान के जो आयत है जो मैंने आपको पढ़ के बताई, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 14 साल पूर्व अरब समाज के अंदर कुछ कुरीतियां थी, कस्टमरी लॉ को ऑब्जर्व करते करते वो कुरीतियां इस्लाम के मानने वालों के बीच भी आई, और उन कुरीतियों को कंटिन्यू करना मेरा ख्याल इससे बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि उस व्यवस्था के खिलाफ तो कुरान खुद है। और इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर न्याय की गुहार लगाएगा, या इस पार्लियामेंट से तय करवाएगा
कि आप एक कानून लेकर आइए, तो मुझे लगता है कि यह हमारे कर्तव्य बद्धता है कि हम उस पर कानून लेकर आए और कॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ लेकर आए। इस्लामिक अलग अलग इस्लामिक पंथ के अलग अलग कानून हुआ करते थे, जो कि मैंने पहले कहा, लेकिन इस सामूहिक अत्याचार में आप ये सोचिए कि एक निकाह होता है, कबूलनामे के तहत होता है, समाज के हर व्यक्ति उसमें मौजूद होते हैं और स्पष्ट कबूलनामा होता है। ऐसे में एक एसएमएस, एक व्हाट्सएप, एक ईमेल, एक फोन कॉल, शादी खत्म। ये कहां की व्यवस्था है, कहां से इसका आपको अधिकार मिलता है जी? और ये और कुरान के साथ ये मतलब कुरान की बात के खिलाफ है। और ऐसे ही कभी संगीन मतलब बहुत सीरियस, कभी संगीन कभी मजाक बन जाएगा, मिट्टी का शरीर खाक बन जाएगा। जरा एहतियात बरत रकीब मेरे, ना जाने कौन सा टेलीफोन तलाक बन जाएगा। और यही ऐतिहासिक फैसला, ये शर्म तो आप कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए जो हिपोक्रेसी के बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आई एम सॉरी, ऐसे शब्द कभी नहीं होंगे। अध्यक्ष जी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को गैर इस्लामिक करार दिया है। 22 अगस्त को जब जजेस का फैसला आया तो उनके सामने तमाम सवाल थे। उनके सामने एक सवाल था कि क्या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, क्या आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स है? तो कोर्ट ने तय किया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और उसके तहत इस प्रथा को हम समाप्त करना चाहते हैं। 3:2 के रेशियो में ये जजमेंट आया। 3 जजों ने इसको गैर इस्लामिक प्रथा बताया। 2 लोगों ने कहा कि देश की संसद, क्योंकि ये फ्रीडम के बीच में आ रहा है तो इसलिए देश की संसद इस पे कानून बनाए और 6 महीने के लिए इस प्रथा को स्थगित किया जाता है और उसके स्थगन के बीच में ये कानून आ जाए। उसी के चलते पहले कानून लाने की कोशिश हुई, लेकिन जो आप रवैया देख रहे हैं, बार बार गुमराह करने वाला रवैया, वही गुमराह करने वाला रवैया पहले चलता रहा। उसके कारण ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। ऑर्डिनेंस के बाद दोबारा इस लॉ को लाया गया और ये सोचकर कि जितनी आपत्ति व्यक्त की है अगर हम उसका निराकरण इसी एक्ट में डाल देते, जबकि वो सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और है, लेकिन बावजूद उसके हम इसी एक्ट के अंदर वो सारे प्रावधान कर देते हैं तो इनकी आपत्तियों का निराकरण होगा। लेकिन स्पष्ट है जिस तरीके की रीति सदन में चल रही है कि केवल और केवल राजनीति करना उपलक्ष्य है, ना कि ऐसी समस्या का हल ढूंढना। अगर इस समस्या का हल ढूंढना होता तो 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत वो कानून तो बन ही चुका था। लेकिन इस बीच जनवरी 2017 से 13 सितंबर 2018 तक 430 तलाक के मामले सामने आए, उसमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले के हैं और 201 जो है उसके बाद के हैं। आश्चर्यजनक बात है कि ट्रिपल तलाक के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से आए और उसके अंदर 120 जो है 126 कोर्ट के फैसले से पहले के हैं और 120 उसके बाद के हैं। 40 शरिया अदालतें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और 40 शरिया अदालतें जब चल रही हैं और वहां पर एक प्रभावी एनजीओ, जिस एनजीओ है, कोई बोर्ड नहीं है, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम दिया गया और वो 86 के बाद ही निश्चित हुई, क्योंकि कांग्रेस को उस समय इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना था और ये एक वैल्व की तरीके से इस्तेमाल करने वाला इन्हीं का एक ग्रुप था जिसको खड़ा किया गया। और उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि 70 साल तक इस देश के अंदर ये कुप्रथा चलती रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसी जैसे मैंने पहले कहा कि हनफी व्यवस्था के तहत यहां पर लोग उसकी मान्यता ज्यादा रखते हैं, जाहिर है कि सुन्नी और हनफी उसमें से मानने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है। तो एक बहुत पुराना गाना है कि मझदार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी जो ना डूबे उसको कौन बचाए।
तो जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम था महिलाओं के हकूकों की लड़ाई लड़ना, साबित हो गया है कि हकूकों की लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है, उसको डुबोने के लिए ये बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये बैठे हुए हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काबिज करने के लिए और उसको मान्यता देने के लिए ये कानून लाना आवश्यक था। और इसी के तहत प्रतिरोध के बावजूद इस कानून को हम लोग लेकर आए हैं। और इसमें जो सीधे गिरफ्तारी का उसूल है वो उसूल इसलिए है कि इसमें अब आप देखिए कि स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, लेकिन मैजिस्ट्रेट को अधिकार है जमानत देने का, लेकिन वो जमानत देने का जो अधिकार है वो तभी संभव होगा जब कंप्लेनेंट जो कि महिला है, उसका ब्लड रिलेटिव है या शादी के द्वारा जो उसके रिश्तेदार हैं उनमें से कोई ये शिकायत दर्ज कर सकता है। कंप्लेनेंट की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई, और कंप्लेनेंट जब कंप्लेंट दे उसके बाद महिला की सुनवाई हो, उसके बाद तय किया जाए कि इसमें बेल मिलनी है या नहीं तथ्यों को देखकर। साथ ही इसको कंपाउंडेबल बनाया गया। कंपाउंडेबल का अर्थ सिर्फ इतना है कि उस मामले को रफा दफा मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही किया जा सकता है, नहीं तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी 482 के तहत हाईकोर्ट के अंदर क्वेश्चनिंग पिटीशन डलती है। वो क्वेश्चनिंग पिटीशन तक का जो रास्ता है वो तय ना करना पड़े, बल्कि सुलहनामा हो जाए तो वहीं के वहीं ऐसे मामले को समाप्त किया जाए और गुजारा भत्ता उसको दिया जाए। तो इसकी जो नीयत है, जो इस कानून की नीयत है वो बिल्कुल साफ है, प्यूनिटिव है, लेकिन साथ ही साथ ये रेस्टोरेटिव भी है, और रेस्टोरेटिव के साथ रेस्टोरेशन भी है और रिफॉर्मेटिव भी है कि अगर गलती की तो गलती में सुधार की एक गुंजाइश है और उस सुधार की गुंजाइश के बाद इस पे पूरी तरीके से काम किया जाए। तो मसला तमाम प्रयास हो जाए, उन प्रयासों के बाद कुछ रजामंदी हो जाए, उन दोनों को मौका मिल जाए बार बार रहने का, साथ रहने का, बच्चों की देखभाल करने का, और सताई हुई औरतों के सामने जो है एक रास्ता निकल आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब लाइफ राइट टू लाइफ ऑफ डिग्निटी की बात आती है तो ये अधिकार एक अधिकार के रूप में सामने आता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठ उठकर कुछ सलाह कर सके और उस सलाह के बाद आपस में मेल बढ़ सके और इस तरीके की चीजें खत्म की जा सके। लेकिन जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीयत से और ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो इस देश में चलती आई है, मैंने उदाहरण दिया है ऐसे इस्लामिक देशों का जहां पर ये गैर कानूनी है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की नीयत से राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम विमेन ऑन डिवोर्स एक्ट प्रोटेक्शन लिखा गया था, लेकिन मिसनॉमर था क्योंकि जो 125 का अधिकार, जो क्रिमिनल लॉ का अधिकार उन महिलाओं के पास था उसको छीना गया था। ये असलियत है, और असलियत ये है कि ये सब कुछ एक देश के पास ऐतिहासिक रूप से फैसला करने का मौका था। कांग्रेस के पास आरिफ मोहम्मद खान जैसे मुसलमान नेता का भी नेतृत्व था, चाहते तो देश का इतिहास आज से 30 साल पहले बदल सकते थे, मगर जिनको राजनीति तोड़ मरोड़ कर डिविसिव पॉलिटिक्स करनी है वो कभी देश का इतिहास बदलेंगे नहीं, वो केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि एक समय ऐसा आए कि इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके, वो ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि हिंदू मुसलमान औरतें अपने आप को औरतें पहले समझे, हिंदू और मुसलमान बाद में समझे, हम सबका धर्म पहले संविधान हो बाद में कुछ और हो, ऐसी नीयत ही नहीं है। और ऐसी नीयत नहीं है इसी कारण इस देश के अंदर जो मुश्किलात है वो मुश्किलात है। और मैं इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ, मेरे को कुरान का एक जो 2.28 एक आयत है सूरह अल बकरा की, जिसमें फौकियत लफ्ज का इस्तेमाल किया है, फौकियत मतलब द अथॉरिटी ऑफ अ मैन ऑन अ वुमन, मुझे लगता है कि इन लोगों ने फौकियत को जरा ज्यादा संजीदगी से ले लिया है, उसको औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है तो चाहे जैसे उसके साथ बर्ताव करे। लेकिन वही सूरह अगर पूरी तरह पढ़ा जाए तो वो बराबरी की भी बात करता है, इक्वालिटी की भी बात करता है, जिससे ये अपने आप को डिनाई करते रहते हैं। और इसी कारण जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी 1986 की थी इस देश के पास, उसको रीइंस्टेट करने का मौका आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2017 में दिया है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर औरतों के अधिकार की अगर बात करें तो समानता का अधिकार ऐसा है कि जितना किसी मर्द को औरत पर है उतना ही अधिकार उस औरत को अपने मर्द पर है, यही
जो है आयत के मायने हैं, और आज इस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए जिस संकल्प को दोहराया गया था, आज वही लड़ाई हम लोग इस सदन में लड़ रहे हैं, इस एक्ट की माफिक लड़ रहे हैं। तो एक शेर है दाग देहलवी का, और मुझे लगता है कि ये शेर उन्होंने शायद ऐसी मजलूम औरतों को सुनकर देखकर लिखा होगा। मेरी आह का तुम असर देख लेना, वो आएंगे थामे जिगर देख लेना। लेकिन मैं अपनी सब बहनों को ये बताना चाहती हूं कि वो आग के असर से आए या ना आए, लेकिन हाँ, क्रिमिनल लॉ की वजह से जरूर आएंगे और दौड़ते चले आएंगे, क्योंकि उनको पता है उसका नजरिया क्या होने वाला है। अंत में दो लाइनें पढ़कर मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूं। रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये मैं अपनी सब मुस्लिम बहनों को, प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने सब काम किए प्रधान सेवक के रूप में, उनके नेतृत्व का लाभ मुसलमान बहनों को भी प्राप्त हो, इसलिए ये कानून लाया गया है। चाहे आशा वर्कर्स के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही मायने में सच होगा। जब हम फोगाट सिस्टर्स को देखते हैं, जब हम मीनाक्षी अम्मा को देखते हैं जो 72 साल की उम्र में उनको पद्मश्री प्राप्त होता है, जब हम देखते हैं कि कल्याणी पायक के अंदर वो समाज इतना जागरूक है कि जहां पर महिला अधिकारों की बात होती है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी है वहां पर, और उस समाज की जो संरचना है उसे केवल अयप्पा के श्राइन से जोड़कर देखते हैं, जहां पर उनका रूप जो है वो एक ब्रह्मचारी का रूप है, अयप्पा वर्शिपर्स के लिए मनाई नहीं है, बल्कि केवल एक मंदिर में वो औरतें खुद नहीं जाना चाहती, और शायद थरूर साहब के बदले हुए बयान उसी कारण है, क्योंकि वो जानते हैं जमीनी सच्चाई को। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।